आप टर्मिनेट विद टर्मिनेटर, अगर टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर दे, अगर टर्मिनेटर की पोजीशन पर लगा दे प्रमोटर को, रिपीट करें, जहां टर्मिनेटर लगा हुआ है वहां पे उठाकर प्रमोटर को लगा दे, स्विच कर दे, एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर दे, हम प्रमोटर को इधर ला दें और टर्मिनेटर को इधर ले जाए, तो कोडिंग सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएंगे? कौन सा कोडिंग सीक्वेंस हो जाएगा फिर? ऊपर वाला कोडिंग सीक्वेंस, नीचे वाला नॉन कोडिंग बन जाएगा अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी। यही लाइन कहना चाह रहा है, बाय स्विचिंग द पोजीशन विद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के साथ अगर पोजीशन चेंज कर दिया, किसकी पोजीशन? प्रमोटर की। तो द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स्ड, दोनों की डेफिनेशन रिवर्स्ड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। समझ आ रही है लाइन? इसलिए आपका प्रमोटर हमेशा, आप कह दो अगर कि प्रमोटर हमेशा 3 प्राइम और से 5 प्राइम वाले को, सॉरी 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले को कोडिंग कहते हैं, तो गलत हो जाएगा, आपका नॉन कोडिंग कहते हैं अगर आपने कह दिया तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो किसके रेफरेंस में बात करनी होगी हमको, तो आपको समझ में आ गया प्रमोटर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से बात करेंगे। प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड में आकर जुड़ता है स्ट्रक्चरल जीन के, और अगर हम बात करें कि टेम्पलेट स्टैंड के, टेम्पलेट स्टैंड के 3 प्राइम एंड में। टर्मिनेटर कहाँ लगा हुआ होगा? जीन के कौन सी पोजीशन पर? अब्रार जीन के कंटेस्ट में बताना है आपको। टर्मिनेटर जीन के कंटेस्ट में बात करें तो कहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन के कंटेस्ट में, किस प्राइम पर? 3 प्राइम पर या 5 प्राइम पर? गलत जवाब, 3 प्राइम पर। बात करते हो तुम क्लास में, सुनते नहीं हो ध्यान से। 3 प्राइम पर लगा हुआ है, 3 प्राइम एंड पर लगा हुआ था टर्मिनेटर, क्योंकि नीचे वाले का रेफरेंस लेंगे हमेशा, रेफरेंस में नीचे वाला लेते हैं, टर्मिनेटर आपके 3 प्राइम एंड पर लगा होता है और 5 प्राइम एंड पर लगा होता है प्रमोटर। इसे डाउनस्ट्रीम कहेंगे, डाउनस्ट्रीम पर लगा है या अपस्ट्रीम पर लगा है टर्मिनेटर? डाउनस्ट्रीम पर कहलाएगा। और टर्मिनेटर वो जगह है जहां पर आकर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, तो प्रमोटर वो जगह है जहां शुरू होता है, टर्मिनेटर वो जगह है जहां पर खत्म होता है, और स्ट्रक्चर जीन में जब चलता रहता है आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनाता रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलॉन्गेशन चल रहा है। इस तरह 3 पार्ट में पूरी प्रोसेस को बांट दिया गया है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ अब कल पढ़ते, ज्यादा हो जाएगा, सिस्ट्रॉन वगैरह पढ़ाना है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है सिस्ट्रॉन वगैरह, ये पैराग्राफ को कल पढ़ते।